वैकेंसीज आने वाली हैं, ये 73,000 प्लस वैकेंसीज आप लोगों की झोलियां भर देंगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सी खुशखबरी, जिसमें आपके लिए हर किसी के लिए बहुत कुछ है, चाहे वो तैयारी करना चाहता है एक मतलब ग्रुप बी के एग्जाम की, सी के एग्जाम की, पुलिस के एग्जाम की, फौज के एग्जाम की, किसी भी तरह की अगर ये तैयारी करना चाहता है, तो उन सभी के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो चुका हूं, जिसमें बहुत ही मजा आएगा और ये गेम बहुत मस्त होने वाला है। तो आज के सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप मेरी एक बात को अच्छे से सुनिए, आपके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस चीज को छोड़ दीजिए कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, ये क्या है, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, सरकार अब वैकेंसियां दे रही है और आगे भी देगी, और रेलवे की भी बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, इस बात को ही मान लीजिए। उससे पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि ये कैसे कैसे कह रहे हैं कि कैसे कैसे होगा गेम, गेम समझते हैं। चलिए, ये कह रहा है केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी और डी के पदों पर होगी भर्ती, 73,333 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, यहां पर कर्मचारी चयन आयोग क्या है, एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या क्या करवाता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भी हमारी केंद्र की भर्तियां हैं उसको मोस्टली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है, चाहे वो आपके पास ग्रुप बी की हो चाहे वो ग्रुप सी की हो। इसी के साथ साथ एमटीएस वगैरह की वैकेंसी भी वो फिल करता है। अब इस नोटिस को पढ़ते हैं, यहां पर ये कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है कर्मचारी चयन आयोग अपनी भर्ती कैलेंडर 2022 में 73,333 युवाओं को नौकरी देगा। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी व डी के पदों पर भर्ती के लिए आयोग को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से रिक्तियों का जो ब्यौरा प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक सर्वाधिक 28,825 पद गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में हैं। दिल्ली पुलिस में 7,550 पदों में भर्ती होगी, हालांकि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये कह रहा है, परंतु मुझे लगता है कि पदों की संख्या तो बढ़ेगी ही, घटेगी तो है नहीं। अब ये कह रहा है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी गौतम कुमार की ओर से एसएससी के अध्यक्ष और सभी मंत्रालयों को 30 सितंबर को एक नोटिस भेजा गया पत्र में रिक्त 73,300 पदों को मिशन रिक्रूटमेंट मोड में जल्द भरने के सुझाव दिए गए हैं। वाह वही वाह, ये कह रहा है कि 73,333 वैकेंसी तो है ही, इसके इसमें यह भी कहा गया है कि भाई मिशन मोड के तहत इसको जल्दी से फिल कर दो, इसको छोड़ो मत खाली। इसमें यह भी कहा गया दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब एमटीएस 2022 के लिए 7 अक्टूबर से आवेदन शुरू हुए हैं, 7 आवेदन से दिल्ली पुलिस में एमटीएस के आवेदन शुरू हुए हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2022 के लिए 5 नवंबर और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कांस्टेबल जीडी और आसाम राइफल में एसएसएफ राइफल मैन जीडी भर्ती 2022 के लिए दिसंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इन्होंने ये कहा कि जो एसएससी जीडी की भर्ती है उसके आवेदन 10 दिसंबर से शुरू होंगे, 10 दिसंबर से उसके आवेदन शुरू होंगे। इन्होंने ये भी कहा है एसएससी की नौकरी को यूपी और बिहार के युवाओं में दौड़ हो गई है, मतलब होड़ हो गई है, सॉरी दौड़ नहीं हुई है, होड़ हो गई है कि भाई इस जॉब को तो मैं लूंगा, इसको मैं लूंगा, ये मैंने देखा भी है। इन्होंने यहां पर मोटा मोटा भर्तियों का एक ब्यौरा दिया है कि किस विभाग में कितनी कितनी जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं उसके बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि जीडी में ये लोग 24,600 पद देंगे जीडी में, और इसी के साथ एसएससी में सीजीएल में कह रहा है ग्रुप बी और सी में इसमें 20,814 पद देंगे, और इसी तरह से दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस की अगर बात करते हैं तो ये 6,433 पद भर्ती करेंगे। मल्टीटास्किंग में दिल्ली पुलिस में ही मल्टीटास्किंग में अगर हम बात करते हैं तो ये कितने पद हैं, 40। माया आहूजा, सच और झूठ में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, एज अ लॉयर मल्टीटास्किंग में अगर हम बात करते हैं
तो ये कितने पद हैं? 4082 पद हैं, 4082 पद एमटीएस में देंगे, और उसी के साथ साथ 4300 सब इंस्पेक्टर के पद देंगे, 4300 सब इंस्पेक्टर के पद देंगे, और 2960 किसके पद देंगे? 2960 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम CHSLL के पद देंगे। आप ये मानकर चलिए अब ये समय है कि यहां पर इसके तो 84,000 आने वाले थे ना पद, कहां गए? देखिए मेरी बात को सुनिए, इस उलझन में मत उलझिए कि किसके पद कहां गए, बस इस बात को ध्यान रखिए कि हमें ये 24,000 पदों में से एक सीट अपनी पक्की करनी है। इस बात पर मत उलझिए, ये समय नहीं है कुछ खोने का, ये समय है उठकर चलने का, दौड़ने का, जीत हासिल करने का। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, आज भी मैं बहुत सारे बच्चों से ऐसे मिलता हूं जो सिर्फ इसी चीज में उलझे रह गए, इतने पद आने थे, ये तो इतना हो गया, ये तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ऐसा मत करिए, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, ये गेम अलग है, इस गेम में कूद जाइए बस, ये गेम है जीत हासिल करने का। तैयारी के ऊपर ध्यान दीजिए, अब पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि मैं तैयारी करूंगा, जी जान से करूंगा, इंग्लिश का भय लगता है तो इंग्लिश के भय को दूर करूंगा और मैं गेम चलूंगा पूरा। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी PET का एग्जाम होगा, उसके बाद हम लोग